हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसे एक कॉमन डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर बोर्ड एग्जाम में तो हमें ओएमआर सीट मिलेगी, तो क्या रफ वर्क हम कहाँ करेंगे? तो इस पर हम डिस्कस करने वाले। उससे पहले मैं आपको एक बता दूँ, जो हमारा क्लास 10th का सीक्रेट फोल्डर है, इसमें जो सैम्पल पेपर है, तो मैंने कल आपके लिए दूसरा सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है। जैसे ही क्लिक करोगे एक क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और उसकी आंसर की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? तो आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, आपके लिए हर वो चीज़ है जो आपको फुल में फुल मार्क्स दिलवाएगी, ठीक है? तो ये क्लास 10th का सीक्रेट फोल्डर में है क्या क्या? सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, हर वो चीज एक बच्चे को टॉप करवाएगी। अच्छी कोचिंग में जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते तो जरूर करें, ठीक है? ये सारी चीजें हैं। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। जो अच्छा, ये सीक्रेट फोल्डर आपको मिलेगा कैसे? आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि आई वॉन्ट सीक्रेट फोल्डर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। बहुत सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, ठीक है? तो बोर्ड एग्जाम में रफ वर्क कहाँ करेंगे? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्या होता है कि एक बुकलेट होती है। बुकलेट में क्या होता है, जैसे कोई जैसा आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या फिजिक्स, ठीक है? उसमें आगे क्वेश्चन होंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10 हो जाएगा, 11, 12, सारे क्वेश्चन होंगे लाइन से, ठीक है? और लास्ट में जाके एक रफ वर्क, मतलब इस तरीके से सोचो, एक कॉपी है पतली सी जिसमें स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में क्वेश्चंस कंप्लीट हैं और लास्ट के कुछ पेजेस ब्लैंक हैं। ये ब्लैंक पेज इस तरीके से रहेगा, रबर, इसी में आपको रबर करना होता है, ठीक है? और एक आपको दी जाती है ओएमआर सीट, यानी कि पेपर, जब जिसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है, अभी पेपर कैसे होते हैं आपके, कि आपको पेपर दे दिया और एक आंसर सीट मिलती है। क्या मिलता है? आंसर सीट, उसमें आप अपने आंसर लिख तो देते हो। अब क्या मिलेगा, ठीक है? एक बुकलेट होगी, ठीक है? बुकलेट होगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक बुकलेट, मतलब पतली सी कॉपी जैसे होती है, आगे के कुछ पेजेस में क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में कुछ ब्लैंक पेजेस होंगे, उसी में करना है। और वो बुकलेट आपको ही मिल जाएगी, जैसे आपको पेपर मिलता है ना, पेपर आप अपने पास रख लेते हो, वैसे ही वो बुकलेट आपको मिल जाएगी। बस एक जो एक्स्ट्रा आपको ओएमआर सीट मिलेगी, जो आपकी ओएमआर सीट होगी एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसमें आपने आंसर करोगे फिल, जैसे 1 का जो भी आपका आंसर है, 2 का जो भी आंसर है, आपने मान लो फिल कर दिया सी और यहाँ पे फिल कर दिया डी, और थर्ड वाले का मान लो ए है, ठीक है? तो आपने ये जो फिल करा, ठीक है, इस तरीके से जो फिल कर रहे हो, ये जो आंसर ओएमआर सीट है, ये आप सबमिट कर दोगे, ठीक है? ये आप सबमिट कर दोगे, लेकिन ये बुकलेट इस तरीके से मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हो। फ्यूचर में यही मिलेगा, फ्यूचर में सीबीएसई का फॉर्मेट यही होगा, ठीक है? यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। लेकिन इस बार एक चीज है कि हो सकता है इस पैटर्न पे चीजें ना हो। रीजन इसका एक है कि, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने अभी तक डेट सीट रिलीज की नहीं है, डेट सीट आई नहीं है। अब डेट सीट ना आने की वजह से सीधी सी बात है, सीबीएसई के पास टाइम कम होगा और बच्चे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि 10th के भी हैं, फिर 12th के भी हैं, उनके लिए इतनी सारी बुकलेट बनाना थोड़ा सा, आप समझते हो, बुकलेट बनाने यार कुछ टाइपिंग होगा, फिर उसको प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर स्कूल तक पहुँचाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बुकलेट का साइज थोड़ा मोटा होता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अच्छा, अभी कोई भी इतनी प्लानिंग मुझे लगता कर रहे होंगे इस पे, तो अभी जो चांसेस है इस बार के जो चांसेस है वो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है? एक आपको ओएमआर सीट मिलेगी, ठीक है? ओएमआर सीट दे देंगे आपको स्कूल वाले, ठीक है? और साथ के साथ स्कूल में ही कोई स्टैंडर्ड रफ पेजेज आपको दे दिए जाएंगे, मतलब अलग से, ठीक है? मतलब पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिए, जैसे अभी मिलता आया है वैसे ही क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है? एक ओएमआर सीट दे देंगे जिसमें आप अपने आंसर फिल करोगे और आपको रफ पेजेस मिलेंगे। तो आप ये सोच के मत जाना कि रफ पेजेस आप लेके जाओगे, ये तो कभी नहीं होगा। ये तो यही तो पर बच्चे तो समझाते हैं चीटिंग करने के 10 तरीके, ठीक है? तो रफ पेजेस आप लेके बिल्कुल नहीं जाओगे, ये दिमाग से निकाल लो। कि जो बच्चे डाउट आ रहा था कि सर कि हमें रफ पेजेस कौन देगा, हमें रफ पेजेस लेके जाने होंगे, कि रफ वर्क हम कहाँ करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, रफ वर्क आपकी जगह, मतलब आपको मिलेगी, चाहे फिर वो, अगर सीबीएसई ने इस बार ही बुकलेट का सारा बता दिया, बुकलेट अगर इस बार ही दे दी, तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन और इसमें रबर और ओएमआर सीट, ठीक है? अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है? ओएमआर सीट मिल जाएगी, रफ पेजेस स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? स्कूल वाले ही प्रोवाइड करेंगे, सीबीएसई बता देगा कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंग स्कूल वाले आपको रफ पेजेस देंगे, लेकिन आप लेके नहीं जाओगे, ये तो 101% मैं श्योर हूँ, ठीक है? क्योंकि फिर बच्चे चीटिंग करेंगे इसमें, ठीक है? तो रफ पेजेस आपको जरूर मिलेंगे, मतलब श्योर हैं कि भैया यस वी विल गेट रफ पेजेस, आपको रफ पेजेस मिलेंगे और जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर पाओगे और मतलब उसके अपने आंसर कर पाओगे।
ठीक है। तो आई होप आपको डेट क्लियर हो गया कि क्या था। यानी दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो क्या बुकलेट मिल सकती है, ठीक है, उसमें आराम से रफ वर्क मिलेगा। दूसरा, अगर बुकलेट नहीं मिलेगी तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर के लिए आपको रफ पेजेस दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बाकी अगर मैं बात करूँ अपना जो यूट्यूब चैनल है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, तो मैंने आपके लिए बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बना दी है, आप एक बार जरूर चेक कर लेना। ये प्लेलिस्ट है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो नीचे स्क्रॉल करोगे शॉर्ट ट्रिक फॉर ट्रम्बन, इनको जरूर देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। 10 मिनट का क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। साथ के साथ एक चीज और मैं बता दूं, ये जो रिवीजन सीक्रेट फोल्डर है, इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं बहुत मतलब मेरे पास उतना पैसा नहीं है अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए, मैं लाइव क्लास कर सकता हूँ क्या? तो यस, लाइव क्लास का भी एक ऑप्शन है, लाइव क्लास पे क्लिक करना, क्लास लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी, आज कौन सी क्लास है, क्या है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे, अच्छा ये क्लास कहाँ होती है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अनअकैडमी में ही पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके सिंपली क्या कर सकते हैं, एक अगर आपने पहली बार अनअकैडमी आप इंस्टॉल की है तो आप इस कोड का यूज कर लेना A4S, फ्री में फ्री क्लास इनरोल हो जाएगी आपकी, ठीक है। A4S डेली क्लास होती है रात में 10 बजे, डेली रात में 10 बजे क्लास होती है, आप इसको इनरोल कर लेना, ठीक है। इसमें क्लास की लिंक मिल जाएगी, अगर मान लो आप पहली बार इंस्टॉल करते हो ऐप तो आपको ये कोड डालना पड़ सकता है A4S, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को हेल्प मिल सके यार, जो बच्चे वास्तव में अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यार क्लास है, ठीक है। मेनली कि मेरा पर्पज ये है कि भाई उनको भी मैं फ्री में लाइव क्लासेस दे के वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, और प्रॉपर है यार, बहुत प्रॉपर है। देखो मैंने आपके लिए पूरी सारी चीज़ बना रखी, देखो कोर्सेस रियल नंबर सारे मैंने दे दी, क्लास लिख दे दी, तो आप रिविजन कर सकते हो MCQ क्वेश्चन का, पॉलीनोमियल का, देखो मैंने ये दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, चैप्टर वाइज मैंने जितने भी पढ़ा दिया है, जितनी क्लास आपकी मिस हो गई, मान लो आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैंने उसकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा, आप लाइव इंटरेक्ट रहोगे मुझसे और जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, और लास्ट में सभी को क्या बोलना है, बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें, लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल